चालो एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से। सर्वप्रथम इस खूबसूरत सुबह के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। और आज का जो वचन है प्रियो, उससे शुरू करने से पहले आप मेरे पीछे ये ग्रीनरी देख रहे हैं। जी हाँ, एक हरी भरी। और वचन कहता है भजन संहिता 23:2, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। जी हाँ, यहोवा ने कहा कि वो हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना होगी। लेकिन 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 प्रियो, इन दिस मॉर्निंग बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो उदास हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं, बहुत सारे लोग आज पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चंगाई नहीं मिल रही, उन्हें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, वो प्रार्थनाओं का वेट कर रहे हैं। लेकिन इस 23 में जाने से पहले परमेश्वर ने हमको एक वचन दिया है प्रियो, है ना। जो फार्मर होता है वो क्या करता है, वो इस ग्रीनरी को बरकरार रखने के लिए इन्हें टाइम टू टाइम, जी हाँ, खाद तो देता ही है, साथ ही साथ जल यानी कि पानी की व्यवस्था रखता है। वो अपने फील्ड में यानी कि अपने फार्मिंग प्लेस पर हमेशा पानी की व्यवस्था रखता है, चाहे वो कुआं हो, ट्यूबवेल हो या फिर रेन वाटर हो। तो आपको और मुझे भी क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, जैसे यहोवा ने कहा कि मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा, तो इस हरी चराइयों में चरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भी उसके जल की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ। भजन संहिता अगर हम फर्स्ट चैप्टर साम फर्स्ट पढ़ते हैं, वर्स 3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता और जिसे पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जी हाँ, वचन कहता है जिसके पत्ते, दाऊद ने कहा जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अगर आज आप इस मॉर्निंग निराश हैं, उदास हैं, तो उठिए, अपने आप को क्या करिए, परमेश्वर के समीपस्थ में लाइए, उस सोता को पकड़ लीजिए जो जीवन का सोता ही नहीं, वो आपके अंदर से भी एक सोता को उत्पन्न कर देगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप मूविंग। इस ग्रीनरी को अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो प्रथम स्थान आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। तब परमेश्वर, जब तक भजन संहिता फर्स्ट आप अपने जीवन में क्लेम नहीं करते हैं, तब तक हम 23 तक नहीं पहुंच सकते प्रियो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।